जी नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राठौर और ठाका सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय ठाका सम्मेलन के पेज से लाइव हो रहा हूँ। और आदरणीय महेंद्र जी यादव साहब, डॉक्टर साहब, जिनका आग्रह था और जिनका प्रेम और स्नेह मेरे ऊपर बना हुआ है, उज्जैन से उन्होंने इसकी शुरुआत की 2000 में। 2001 से इनका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है चल रहा है उज्जैन के अंदर। और मेरी एजुकेशन भी लगभग उज्जैन में हुई है, ग्रेजुएशन मैंने उज्जैन से किया, तब से मैं आदरणीय भाई साहब से, डॉक्टर साहब से जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने उनके अधिकतम सारे प्रोग्राम देखे हैं, जब राजू श्रीवास्तव जी, कुमार विश्वास जी, राजपाल यादव जी, काफ़ी लोग, राहत इंदौरी जी, जानी बैरागी जी, बड़े बड़े लोग उनके स्टेज पर आए हैं। और हम जैसे छोटे जो नव कलाकार हैं, नए कलाकार हैं हमारे भारत और पूरे विश्व में, जो भी हिंदी और उर्दू में अपनी कविताएं या शायरी लिखते हैं, उन सभी को वो बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत हृदय से आभार करता हूँ आदरणीय डॉक्टर साहब का, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इस ठाका पेज से। और आइए कुछ शायरियों के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर साहब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, मैं बीच में आप और जितने लोगों को भी पसंद आता जाए, कृपया आप सब लोगों से निवेदन है कि आप इस पेज को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें। आपकी कुछ फरमाइश है जो मुझे सब शायद जानते हों, तो आपकी फरमाइश से भी मैं पूरी जरूर करूँगा। सुनिएगा, कुछ पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ। कि तुम दिखती हो तो जिस्म में जाम सा लग जाता है, तुम दिखती हो तो जिस्म में जाम सा लग जाता है, तुम दिखती हो तो जिस्म में जाम सा लग जाता है, क्या छुपाऊँ खुद चेहरा आम सा लग जाता है। और तुम्हें बस एक फोटो शेयर ही तो करना है, तुम्हें बस एक फोटो शेयर ही तो करना है, मेरी जान इन आँखों को आराम सा लग जाता है, मेरी जान इन आँखों को आराम सा लग जाता है। आदरणीय धर्मेंद्र जी राजपूत साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपकी फरमाइश है बिन मौसम बरसातों वाली मैं ज़रूर सुनाऊंगा। कुछ पंक्तियाँ पहले तरन्नुम से आप तक पहुँचा देता हूँ, सुनिएगा। कि तेरे आने से ये रुसवाई भी हो सकती है, तेरे आने से ये रुसवाई भी हो सकती है, मेरी महफिल मेरी तन्हाई भी हो सकती है। और आज तो छत पे नजर आते रहे दिन भर बादल, ये तेरे जुल्फ की परछाई भी हो सकती है, ये तेरे जुल्फ की परछाई भी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, स्नेह मिल रहा है। 5-6 लोग अभी तक जुड़े हैं, थोड़ा सा लेट होने के कारण विलंब हो गया था। आइए और कुछ पंक्तियों से बात शुरू करते हैं। कि मेरी कुछ बातों ने तुमको सताया के नहीं, मेरी कुछ बातों ने तुमको सताया के नहीं, कभी हंसाया कभी तुमको रुलाया के नहीं। और सुना है कल तुम्हारी शादी होने वाली है, सुना है कल तुम्हारी शादी होने वाली है, मगर हथेली से मेरा नाम मिटाया के नहीं, मगर हथेली से मेरा नाम मिटाया के नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल भी जुड़ा हुआ है और आदरणीय डॉक्टर साहब भी हैं, धर्मेंद्र भैया भी हैं, और जिन जिन लोगों को पसंद आते रहें, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सभी लोगों से इस पोस्ट को शेयर भी करते रहें, कमेंट्स भी करते रहें, लाइक भी करते रहें, क्योंकि बहुत बड़ा मंच है। और पिछले, जैसा कि डॉक्टर साहब से हमारी वार्ता हुई थी, बातचीत हुई थी,
लगभग वो पिछले 2-3 महीनों में 70 से 80 लोग लगभग लोग हमारे इंडिया के कवि और बड़े शायर जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हैं उन्हें इन्होंने इस मंच पर प्लेटफॉर्म दिया और उनकी कविताएं पूरे विश्व में पहुंची हैं। और काफ़ी लोगों का ये परिवार है, हम तो 5-7 साल से मैं जुड़ा हूँ जब से जवान हुआ हूँ, लेकिन महेन भैया डॉक्टर साहब लगभग 2000 से सन 2000 से 2001 से इन्होंने ठाका सम्मेलन शुरू किया था उज्जैन में और विश्व के बड़े बड़े लोगों को इन्होंने आमंत्रित किया है और मैं बचपन से उन्हें देखता रहा हूँ टीवी या यूट्यूब के माध्यम से। आइए कुछ और पंक्तियों से बातचीत शुरू करते हैं। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको कि शायरी कैसे लिखी जाती है। हमारी दी हुई वो एक किताब का किस्सा, हमारी दी हुई वो एक किताब का किस्सा, मेरे सवाल तुम्हारे जवाब का किस्सा, और शायरी यूं ही नहीं निकलती है जहन से मेरे, तुम्हें पता ही है फेके गुलाब का किस्सा, तुम्हें पता ही है फेके गुलाब का किस्सा। आदरणीय राकेश जी बगानिया जी और आदरणीय कवि मुकेश जी, सांडिल्य चिराग जी, धर्मेंद्र जी राजपूत हमसे जुड़े हुए हैं पेज पर। मैं आपका बहुत बहुत आभारी और स्वागत करता हूँ पुनः इस पेज पर, और जिन लोगों को पसंद आता जाए शेयर करें, कमेंट्स करें और आपकी कुछ फरमाइश हो तो ज़रूर सुनें। आइए, आदरणीय भाई साहब का आग्रह था एक गीत का, तो मैं वो गीत सुना देता हूँ, उसके बाद कुछ शायरियों से भी आप बातचीत करेंगे। कि बिन मौसम बरसातों वाली, बिन मौसम बरसातों वाली, धूप में गीले बालों वाली, अनछुए अरमानों वाली, मैं भरे पैमानों वाली, दिन में यादों वाली वो रातों को ख्वाबों वाली, वो लड़की गुमसुम सी खामोश निगाहों वाली, वो लड़की गुमसुम सी खामोश निगाहों वाली। आदरणीय राजेश जी भैया लोटपोट हमारे 2-3 दिन पहले लाइव थे और उनका आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। कि वो लड़की गुमसुम सी खामोश निगाहों वाली, बिन मौसम बरसातों वाली, धूप में गीले बालों वाली, अनछुए अरमानों वाली, मैं भरे पैमानों वाली, दिन में यादों वाली वो रातों को ख्वाबों वाली, वो लड़की गुमसुम सी खामोश निगाहों वाली, वो लड़की गुमसुम सी खामोश निगाहों वाली। आदरणीय अशोक जी भाटी गुरुदेव हमारे, बचपन से मैंने उन्हें उज्जैन में सुना है और हमारे एरिया में सुजालपुर, अकोदिया, कालीसिंध, बेरछा, मकसीर, पूरे इलाके में उन्होंने कोई ऐसा मंच ना होगा जहाँ पर उन्होंने संचालन ना किया हो, और बड़े बड़े प्रोग्राम पूरे विश्व स्तर के लाल किले तक पर वो पढ़ के आए हैं, उनका भी बिल्कुल आवाज़ बहुत बेहतर जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आवाज़ की तारीफ करना है। सुनिएगा आगे, बंद सुनिएगा इसका। कि वो लड़की गुमसुम सी खामोश निगाहों वाली, कि जुल्फे गिरती चेहरे पर तो दुल्हन हो जाती है, जुल्फे गिरती चेहरे पर तो दुल्हन हो जाती है, एक जरा मुस्कान खिले तो कंवल हो जाती है, उस पे कुछ लिखता रहता हूँ, उसको ही गाता रहता हूँ, जब कुछ थोड़ा लिख पाऊँ तो गजल हो जाती है, बिन पूछे सवालों के, बिन पूछे सवालों के तैयार जवाबों वाली, वो लड़की गुमसुम सी खामोश निगाहों वाली, वो लड़की गुमसुम सी खामोश निगाहों वाली। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब।
आगरा था, मैंने एक गीत का एक बंद आपको सुनाया, बिन मौसम बरसातों वाली। और भी आगरा है, तन्मय जी यादव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एकता भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आभार। ढाका सम्मेलन से आदरणीय महन जी डॉक्टर साहब भी जुड़े हैं, काफ़ी लोग जुड़ सके हैं। और एक गीत का आगरा है, ये देश शहीदों का है जी, मैं बिल्कुल उसके भी एक दो बंद आपको सुना देता हूँ। और आप लोगों को पसंद आता जाए तो शेयर ज़रूर करें इस पेज को, और सब लोगों तक पहुँचाएँ जो भी आज ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उन तक पहुँचाएँ जी। ये देश शहीदों का है, मैं सुना देता हूँ। देश किन किन लोगों का जाना जाता है? देश जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाई देश नेताओं की वजह से चलता है या महापुरुषों की वजह से चलता है, लेकिन या सैनिकों की वजह से चलता है या यहाँ की जनताओं की वजह से। लेकिन मैंने अपना नज़रिया जो देखा, उस नज़रिए के हिसाब से एक गीत लिखा है, वो आपको सुनाना चाहूँगा, सुनिएगा। सुखदेव भगत अशफाक गुरु, सुखदेव भगत अशफाक गुरु, और हमें दो का है ये देश शहीदों का है, देश शहीदों का है। राणा प्रताप शिवाजी, राणा प्रताप शिवाजी, जैसे वीरों का है ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है, देश शहीदों का है। और एक बंद सुनिएगा कि किन किन वीरांगनाओं ने हमारे देश के लिए अपनी प्राणों की आहुतियां दी हैं, सुनिएगा। कि मेवाड़ में पन्ना दाई ने पुत्र स्वयं बलिदान किया, मेवाड़ में पन्ना दाई ने पुत्र स्वयं बलिदान किया, झांसी में लक्ष्मी बाई ने स्वतंत्रता का वरदान दिया, रानी दुर्गावती ने अंग्रेजों को चने चबाए थे, और रामायण में सीता ने खुद प्राणों का संहार किया, रामायण में सीता ने खुद प्राणों का संहार किया। सबरी अनसुईया कौसल्या, सबरी अनसुईया कौसल्या, जैसी माओ का है ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है। राणा प्रताप शिवाजी जैसे वीरों का है ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है। और किन लोगों का देश, सुनिएगा। कि तुलसी ने रामचरित में जो रामचरित्र पढ़ाया है, तुलसी ने रामचरित में जो रामचरित्र पढ़ाया है, कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में जो गीता का ज्ञान सुनाया है, कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में जो गीता का ज्ञान सुनाया है, मीरा के शब्द शब्द में जो श्रृंगार झलकता है, और सूरदास के पदों में जो कान्हा का रूप निखरता है, सूरदास के पदों में जो कान्हा का रूप निखरता है। तो किन लोगों का देश है? अज्ञेय पद्माकर दिनकर, अज्ञेय पद्माकर दिनकर, और कबीरों का है ये देश शहीदों का है, देश शहीदों का है। राणा प्रताप शिवाजी जैसे वीरों का है ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का, निरंतर प्रेम मुझे मिल रहा है। भूपेन जी भाई साहब भी लाइव जुड़े हुए हैं, एडवोकेट मनीष जी सोलंकी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, और विवेक जी शर्मा, भूपेन जी, जितेंद्र राठौर और धर्मेंद्र जी सभी लाइव इसको देख रहे हैं आज के इस कार्यक्रम को। रघुवीर भैया भी जुड़े हैं, हमारे प्रिय दोस्त हैं। आइए इसका अंतिम बंद मैं आपको सुना देता हूँ कि और किन लोगों का देश है, सुनिएगा।
कि अटल बिहारी ने जो राजनीति की परिभाषा सिखलाई है, अटल बिहारी ने जो राजनीति की परिभाषा सिखलाई है, डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान की बात बताई है, डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान की बात बताई है, डॉक्टर सर्वपल्ली ने जो शिक्षा का मान बढ़ाया है, डॉक्टर सर्वपल्ली ने जो शिक्षा का मान बढ़ाया है, और इंदिरा गांधी ने जो नारी का महत्व सिखलाया है, इंदिरा गांधी ने जो नारी का महत्व सिखलाया है, तो डॉक्टर प्रसाद अब्दुल कलाम जैसे हीरो का है ये देश, शहीदों 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 का है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। नुरुद्दीन जी गोधरा वाले उनकी ओर से बहुत स्नेह मिल रहा है। सुरेंद्र जी शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, आदरणीय डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, और आप सभी लोग से आग्रह भी है कि अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो कुछ पंक्तियाँ मेरी या कविताएँ गीत, तो आप लोग इसे शेयर भी करते रहे निरंतर। राजेश भैया का भी बहुत स्नेह मिला है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक आध और गीत हो, उससे पहले मैं कुछ शायरियाँ आप तक पहुँचाना चाहता हूँ जो आज के दौर की शायरियाँ हैं। किस तरह से आज के जो युवा लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी प्रेम या मोहब्बत में होते हैं, तो उनके साथ जो घटता है वो आपको सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि हृदय की पीर तो सबको सुनानी पड़ती है, हृदय की पीर तो सबको सुनानी पड़ती है, तेरी तस्वीर सभी से छुपानी पड़ती है, और तुम्हारा क्या है तुम तो दिन में भी सो लेते हो, तुम्हारा क्या है तुम तो दिन में भी सो लेते हो, मुझे तो नींद की गोली भी खानी पड़ती है, मुझे तो नींद की गोली भी खानी पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भैया का भी स्नेह है, आप सभी लोगों का प्रेम, और काफी लोग जुड़े हुए हैं। आइए कुछ और पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। कि मेरी बाइक पे लिपट करके बैठना तेरा, राजेश भैया का स्नेह, बहुत बहुत धन्यवाद। कि मेरी बाइक पे लिपट करके बैठना तेरा, सर मेरी गोद में रख करके सिमटना तेरा, और तुम्हारी दूरियां हम दोनों पे भारी पड़ गई, तुम्हारी दूरियां हम दोनों पे भारी पड़ गई, तरसना मेरा बहुत और तड़पना तेरा, तरसना मेरा बहुत और तड़पना तेरा जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भैया, बहुत काम में व्यस्त थे उसके बावजूद भी समय निकाला आपने आपके कमेंट्स में। आदरणीय मनीष जी, सोलंकी जी, सभी लोग जुड़े हुए हैं मेरे सारे प्रिय दोस्त। आइए एक गीत मैं आपको सुना देता हूँ। आज के दौर में जैसा कोरोना काल चल रहा है, और आदरणीय डॉक्टर साहब महन जी जिन्होंने इतना प्रयास किया, हम नए कवि या शायर है उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है ताकि आपके घर तक, आप लोगों तक बात पहुंचे हमारी। कहीं ना कहीं जो हमारे प्रोग्राम कहीं ना कहीं रुक गए हैं इस लॉकडाउन की वजह से, आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियां हैं। डॉक्टर साहब का स्नेह है, अरविंद जी मेवाड़ा भी हमारे साथ लाइन पर है जी, बहुत बहुत आभार धन्यवाद। और जो लोग कहीं बाहर फंसे हुए हैं, चाहे इंदौर हो, दिल्ली हो, या विदेश में हो, तो उनको कहीं ना कहीं एक गांव की टीस, गांव की कुछ यादें जो जुड़ी हुई थी वो टूट चुकी है। कुछ लोग मिस कर रहे हैं अपने गांव को। तो गांव और शहर का एक अंतर बताना चाहता हूँ एक गीत के माध्यम से, कि गांव और शहर में क्या अंतर है, गांव के क्या दृश्य होते हैं, शहरों के क्या होते हैं।
डॉक्टर साहब तो शहर में ही रहते हैं, सिटी में। मैं भी उज्जैन रहा 4 साल तक, उसके बाद इंदौर भी रहा मास्टर डिग्री के दौरान। तो मैंने क्या परिवर्तन देखा और गांव में क्या महसूस किया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस गीत के माध्यम से, सुनिएगा। कि मजा नहीं एसी कूलर में, मजा नहीं एसी कूलर में जो पीपल की छांव में होता है, शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है, शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है। अरविंद भैया का आगरा है गुलाब का किस्सा। जी जरूर, मैं इस गीत के पहले वो किस्सा आपको सुना देता हूँ। आइए सुनते हैं। कि मेरी वो दी हुई वो एक किताब का किस्सा, हमारी दी हुई वो एक किताब का किस्सा, मेरे सवाल तुम्हारे जवाब का किस्सा। और शायरी यूं ही नहीं निकलती है जहन से मेरे, तुम्हें पता ही है फेंके गुलाब का किस्सा, तुम्हें पता ही है फेंके गुलाब का किस्सा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का प्रेम मिल रहा है। किस्सा अरविंद भैया की फरमाइश थी, वो सुनाई मैंने। एक किस्सा और है जो अगर आप चाहें तो मैं सुना देता हूं। कि मेरी आवाज तेरी उस पुकार का किस्सा, आज तक मैंने कहीं भी ये पंक्तियाँ नहीं सुनाई हैं। जो लोग देख रहे हैं पहली बार ये पंक्तियाँ सुनेंगे, और ये भी बड़ा मज़ेदार किस्सा था। सुनिए, किस्सा नंबर 2 है। कि ये तो पुराना है, नया वाला है जो किस्सा है वो सुनाता हूँ। कि मेरी आवाज तेरी उस पुकार का किस्सा, हमारे बीच पड़ी उस दरार का किस्सा, और बीमार एक हफ्ते तक रहा था मैं, बीमार एक हफ्ते तक रहा था मैं, सुन करके तुम्हारी उस बुखार का किस्सा, सुन करके तुम्हारी उस बुखार का किस्सा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का प्रेम मिल रहा है। राजेश भैया और ठाका सम्मेलन से आदरणीय डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, सभी लोग जुड़े हैं। आइए, जो मैं गीत सुनाना चाहता था, जो मेरी बेहद इच्छा थी कि आज इस अंतर्राष्ट्रीय ठाका सम्मेलन के पेज से मैं आप लाइव होकर के एक जरूर सुनाऊं, और कोरोना काल में जो विषम परिस्थिति चल रही है उस दौरान किस तरह से हम गांव को महसूस कर रहे हैं, सुनिएगा। कि मजा नहीं एसी कूलर में, मजा नहीं एसी कूलर में जो पीपल की छांव में होता है, शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है, शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है। आदरणीय भाटी साहब कह रहे हैं, डॉक्टर महेंद्र जी यादव सर बिल्कुल अवलोकन कर रहे हैं, और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका आशीर्वाद है तो बिल्कुल हमारी भी हिम्मत खुलती है नए युवाओं की। आइए और आप जरूर सुनिए इस गीत को। आदरणीय गुरुदेव भाटी साहब लाइन पर हैं तो, और मैं गोविंद जी राठी साहब का शिष्य हूँ, अकोदिया से बिलोंग करता हूँ। आदरणीय बाबूल जी घायल साहब जो हमारे गुरुदेव है, आदरणीय राम जी मनावत साहब हैं, महेंद्र जी मधुर साहब है, सभी के सानिध्य में मैं, ऋतुराज जी गुजर है, विनोद जी चंद्रवंशी साहब है, बहुत एक पूरा एरिया हमारा बड़े साहित्यकारों से भरा हुआ है। आइए गीत पूरा कर देता हूँ मैं। कि मजा नहीं एसी कूलर में जो पीपल की छांव में होता है, शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है, शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है। जी पहला बन सुनिएगा।
कि सर पे रखती मटकी वो तालाब से पानी लाती। भाटी साहब जरूर सुने, आदरणीय भाई साहब, डॉक्टर साहब आप भी सुने, कि सर पे रख। ये दृश्य शहरों में नहीं होता है, आप उज्जैन से हैं, उज्जैन में शायद शिप्रा किनारे पर आपने देखा हो, लेकिन हमारे गांव में तालाब होते हैं। हमारे पास में एक गांव है जहाँ 52 तालाब है, तो तालाब के ये दृश्य जरूर सुनते हैं, मिलते हैं। जी बहुत अच्छा मौका जी, मैं बंद सुनाता हूँ, 3-4 बंद है, 2-3 बंद आपके मतलब मुझे जो प्रिय है और शायद आपको पसंद आएंगे, सुनिएगा। कि सर पे रखती मटकी वो तालाब से पानी लाती, और देखो उसको ना देखो चाहे फिर भी वो शर्माती, और नजरे उसकी तीखी तीखी जैसे के तलवार, और कंधों पे दुपट्टा उसके एड़ी तक सलवार। हंसना गाना मुस्कुराना, हंसना गाना मुस्कुराना उसके स्वभाव में होता है, शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है, शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है, शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है। जी भाटी साहब जुड़े हुए हैं, कमल जी सोलंकी साहब भी हैं, अभिषेक भैया भी हमारे मित्र हैं जी बिल्कुल, और वो पहले लाइव आ चुके हैं और काफी लोग 80 लोग के आसपास लगभग लाइव कर चुके हैं। आइए अगला बंद मैं आपको सुनाता हूँ, कि जब लड़कियों की सगाई हो जाती है तो शादी के दौरान तक हमारी दादी नानियाँ अक्सर कहती है कि 12 महीना का दिन है, तो वो दृश्य मैंने पिरोया है पंक्तियों में, सुनिएगा। कि हर दिन को त्योहार मानती जीती है आजादी, हर दिन को त्योहार मानती जीती है आजादी, और सगाई से शादी तक रहती है शहजादी, दो चोटियां रखती गुड़िया और सादा पहनावा, दो चोटियां रखती गुड़िया और सादा पहनावा, माथे पे बिंदिया दमकाए और कानों में बाला, हाथों में कंगन पहने, हाथों में कंगन पहने पायल पांव में होता है, शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है, शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है। आइए एक और बन जो मैंने खास तौर से गांव में देखा है, शहरों में बिल्कुल नहीं होता है, जो भी शहर के लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने भी देखा होगा, सुनिएगा। और अत्यधिक तो अभी वर्तमान में जैसे कोरोना काल चल रहा है तो सभी लोग पलायन कर चुके थे शहरों की तरफ, लेकिन अब गांव की तरफ रुख कर रहे हैं, तो वो दृश्य सुनाता हूँ गाँव में क्या होता है। कि रोज मंदिरों में महिलाएं भजनों को है गाती, रोज मंदिरों में महिलाएं भजनों को है गाती, घर में कोई आंख दिखाए तो ज्यादा घबराती, घर में कोई आंख दिखाए तो ज्यादा घबराती, एक साथ मिलकर रहती है सास बहू जेठानी। इन पंक्तियों पर जरूर आपका प्रेम मिलेगा। कि एक साथ मिलकर रहती है सास बहू जेठानी, और रीत रिवाज को जानना हो तो मिलती यही निशानी, रीत रिवाज को जानना हो तो मिलती यही निशानी, और बेटा कैसा भी हो लेकिन दबाव में होता है, शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है, शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है, मजा नहीं एसी कूलर में जो पीपल की छांव में होता है, शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है,
शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है। और एक आखिरी बंद और है, हमारे गांव में मेला लगता है, जैसा कि कार्तिक मेला उज्जैन में भी लगता है, तो एक मेले का दृश्य भी मैंने इस गीत में पिरोया है, वो भी सुनिएगा। कि दादा दादी नाना नानी सबका रिश्ता सच्चा है, और आज तलक मम्मी कहती है रहने दे तू तो बच्चा है, नई सगाई हो जाए तो फिर मेले में जाते, फिर मेले में मिलते हैं, और पुरानी दिख जाए तो सबके चेहरे खिलते हैं, नई सगाई हो जाए तो फिर मेले में मिलते हैं, और पुरानी दिख जाए तो सबके चेहरे खिलते हैं, रस्ते चलते जो मजा, रस्ते चलते जो मजा टकराव में होता है, शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है, मजा नहीं ऐसी कूलर में जो पीपल की छांव में होता है, शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है, शहर में ऐसा कुछ भी नहीं जो गांव में होता है, जो गांव में होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और 10 मिनट का और समय है मेरे पास, तो मैं कुछ और पंक्तियां आप तक पहुंचा देता हूं, मोहब्बतों की जो भी मैंने लिखी है, जिससे थोड़ा बहुत जाना जाता हूं। आदरण डॉक्टर साहब लगे हुए हैं, और मैं पुनः डॉक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ। जिन लोगों को पसंद आए ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। डॉक्टर साहब जो मेहनत कर रहे हैं, पिछली मैंने पूरी गर्मी उन्हें बिल्कुल अवलोकन किया है, मूल्यांकन किया इस बात का कि लगभग रोज किसी न किसी नए कवि को या अंतर्राष्ट्रीय कवि को या जो बड़े लोग हैं, सभी लोगों को प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है, तो बड़ा सराहनीय काम है हमारे पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए। मेरा मानना है भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग इसे वाच करते हैं, देखते हैं, तो पुनः और हम चाहते हैं कि बाबा महाकाल का उन पर आशीर्वाद बना रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद कमल भैया, कमल जी सोलंकी जी, शानदार कविता, थैंक यू। आइए और कुछ पंक्तियां आपको सुना देता हूं। कि मेरी अच्छाई बुराई भी छोड़ दी तुमने, मेरी अच्छाई बुराई भी छोड़ दी तुमने, खुदा की सारी खुदाई भी छोड़ दी तुमने, और तुम्हारे बाद मैंने एक लड़की भी नहीं देखी, इसीलिए तो सगाई भी छोड़ दी तुमने, इसीलिए तो सगाई भी छोड़ दी तुमने। और एक और दृश्य सुनिएगा, शायद आपको पसंद आएगा, और ये हकीकत है कि सीढ़ियां जिंदगी की थी तुम्हें चढ़ने ना दिया, सीढ़ियां जिंदगी की थी तुम्हें चढ़ने ना दिया, ख्वाब तमाम तोड़े और तुम्हें बढ़ने ना दिया, और चंद तस्वीर को देख कर तुम्हारे पापा ने 12वीं बाद से कॉलेज में पढ़ने ना दिया, 12वीं बाद से कॉलेज में पढ़ने ना दिया। और एक एकदम लेटेस्ट और नई पंक्तियाँ किसी भी मंच से नहीं पहुंची है, तो मैं वो भी पहुंचा देता हूँ और उसके बाद समापन करेंगे। कि तुम्हारी आंख के कतरे में जो काजल होगा, तुम्हारी आंख के कतरे में जो काजल होगा, तुम्हें पता नहीं वो किस तरह घायल होगा, और तुमसे जो प्यार करे कैसे संवर सकता है, तुमसे
तुमसे जो प्यार करे कैसे संवर सकता है, उसके हिस्से में लिखा है कि वो पागल होगा, उसके हिस्से में लिखा है कि वो पागल होगा। आइए और पंक्तियां सुना देता हूं, 5-2-3 मिनट और सुनिएगा। कि मेरी तड़पन मेरी आंखों का इशारा सुन ले, मेरी तड़पन मेरी आंखों का इशारा सुन ले, खून के आखिरी कतरे ने पुकारा सुन ले, तुम्हारी गोद में सर रख के जान दे दूंगा, बात इतनी सी है मुड़ कर के दोबारा सुन ले। और आखिरी पंक्तियां मैं सुना करके विदा लूंगा, आप सभी से सुनिएगा। और शायद मैंने आज का जितना भी काव्य पाठ किया है उस काव्य पाठ पर ये जो 4 पंक्तियां सबसे भारी पंक्तियां हैं, मेरे जीवन की सबसे अच्छी पंक्तियां हैं, जो मैं मानता हूं आप लोगों का स्नेह मिलेगा अगर आपको अगर पसंद आएगी तो। कि करोगे बात तो पहचान निकल सकती है, जब सब दूर से आपको ब्लॉक कर दिया जाता है किसी द्वारा तो आपकी क्या ख्वाहिश होती है। कि करोगे बात तो पहचान निकल सकती है, ओ तुम्हारी नजर ही वरदान निकल सकती है, किसी के हो गए हो ये मत बताओ तुम, किसी के हो गए हो ये मत बताओ तुम, जरा सी बात से जान निकल सकती है, जरा सी बात से जान निकल सकती है। सुनेगा और 2-4 पंक्तियां जो मुझे याद आ रही है अभी फिलहाल वो, कि मैं हूँ फकीर जमाने की बात करता हूँ, मैं हूँ फकीर जमाने की बात करता हूँ, और तेरी तस्वीर जलाने की बात करता हूँ, और तुम्हारे दम से है तुम्हारे दम से ही लिखता हूँ शायरी अक्सर, तुझे ही भूलने भुलाने की बात करता हूँ, तुझे ही भूलने भुलाने की बात करता हूँ। और एक और जो बहुत सारे लोगों को पसंद भी है और कुछ फोन भी आया था कि ये वाली पंक्तियां जरूर सुनाना, तो वो भी मैं सुना देता हूँ। कि तमाम लोगों से एक बात छुपाई होगी, तमाम लोगों से एक बात छुपाई होगी, संग दुपट्टे के कुर्ती भी भिगाई होगी, संग दुपट्टे के कुर्ती भी भिगाई होगी, और फिर से नाराज हुए होंगे तेरे घर वाले, फिर से नाराज हुए होंगे तेरे घर वाले, आज फिर तुमने घर की छाई जलाई होगी, आज फिर तुमने घर की चाय जलाई होगी। और आखिरी में अंतिम 2 मिनट और है तो मैं एक आखिरी शायरी से समापन करता हूँ आज का। जी कवि नागेश जी कारीवाल जी, बहुत बहुत आशीर्वाद आपका। सुनिएगा आखिरी पंक्तियाँ। कि मेरे खतों को तुमने पास सुलाया होगा, मेरे खतों को तुमने पास सुलाया होगा, फिर अपने आंसुओं से उनको भिगाया होगा, और 8 महीने से तेरा फोन तक नहीं आया,
डराया हुआ जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का जो मुझे निरंतर स्नेह दे रहे थे, आदरणीय डॉक्टर साहब महेंद्र यादव साहब, मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे आज अपने इस अंतर्राष्ट्रीय ठाकुर सम्मेलन के पेज से लाइव होने का अवसर प्रदान किया। और ऐसी आपसे आशाएं हैं कि निरंतर जो नए लोग हैं हमारे, जो शायरी या कविताओं से जो बड़े प्लेटफॉर्म से वंचित हैं, तो वो आपके पेज से लाइव होकर के जरूर पूरी दुनिया तक पहुंचेंगे। और जैसा कि आप 2001 से लेकर के 2020 तक लगातार आपने ठाकुर सम्मेलन के मंचों पर विश्व के बड़े ख्यातिमान कलाकार, चाहे कॉमेडियन हो, एक्टर हो, किसी भी तरह के जो आर्टिस्ट थे उनको आपने मंच दिया। और ऐसी आशाएं हैं कि जो नए आज पूरे भारत में नए लोग आर्टिस्ट आ रहे हैं उन्हें भी मंच पर आप बिल्कुल मौका देंगे, ऐसे आपसे आशा है। लेट थोड़ा सा हो गए थे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, उसके कारण थोड़ा सा व्यू भी कम मिल पाए, लेकिन मैं जरूर आदरणीय डॉक्टर महेंद्र यादव साहब का आग्रह है थोड़ा सा और कुछ और पंक्तियाँ सुना दें तो कुछ और पंक्तियाँ मैं सुना देता हूँ जो मेरी कुछ पसंदीदा पंक्तियाँ हैं, सुनिएगा। के शायरी महफिल के उजाले को बदलने वाली है, शायरी महफिल के उजाले को बदलने वाली है, हम आ गए हैं मोहब्बत की हवाएं चलने वाली है, हम आ गए हैं मोहब्बत की हवाएं चलने वाली है, और ये स्कूल की घंटी की आवाज़ छेड़कर बताती है मुझको, ये स्कूल की घंटी की आवाज़ छेड़कर बताती है मुझको कि हाँ अब वो इस वक्त घर से निकलने वाली है, कि हाँ अब इस वक्त घर से निकलने वाली है। जो कोरोना काल है तो कोरोना काल के दौरान भी मुझे कुछ दर्द महसूस हुआ, तो मैंने कुछ लिखा है, उसके पहले कुछ और पंक्तियाँ मैं आपको सुना देता हूँ। जैसा कि मोहब्बत की बात हो गई, गांव की बात हो गई, तो मुझे कुछ और जो याद आ रही है आदरणीय भाई साहब का आग्रह कि थोड़ा सा और सुना दें। तो आइए, कि जिंदगी को समझना है तो सदा मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी को समझना है तो सदा मुस्कुराना चाहिए, और ख़ुद की कीमत लगाना है तो बाज़ार जाना चाहिए, खुद की कीमत लगाना है तो बाज़ार जाना चाहिए, और दूसरों की उड़ान पर रोने से क्या मतलब, दूसरों की उड़ान पर रोने से क्या मतलब, अगर आकाश सुना है तो कुछ करके दिखाना चाहिए, अगर आकाश सुना है तो कुछ करके दिखाना चाहिए। अभी जैसा कि प्लान चल रहा है लोगों का, जो दिल्ली फंसे थे या इंदौर या बेंगलोर, ये बड़े बड़े जैसे अभी सबसे ज़्यादा जो महाराष्ट्र में केस हैं और उसके बाद तमिलनाडु में और उसके बाद सभी जगह है, और सभी महानगरों में कहीं ना कहीं पलायन था, माइग्रेट हुए थे लोग, बाहर से आए हुए लोग थे, तो अभी उनको जो समस्याएं झेलना पड़ रही है उस पर चार पंक्तियां हैं, सुनिएगा। गरीब को मुकद्दर से बढ़कर नहीं मिलता, गरीब को मुकद्दर से बढ़कर नहीं मिलता, कभी रोटी नहीं मिलती कभी छप्पर नहीं मिलता, कभी रोटी नहीं मिलती कभी छप्पर नहीं मिलता, और वो अमीर मोटे गद्दों पर नींद लेता है, वो अमीर मोटे गद्दों पर नींद लेता है, अरे गरीब को तो मजदूर को तो सोने के लिए बिस्तर नहीं मिलता, मजदूर को तो सोने के लिए बिस्तर नहीं मिलता जी। और कुछ पंक्तियाँ सुना देता हूँ, जैसा कि हम लोग लिखते हैं, मैंने पत्रकारों के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए, और विशेष उन लोगों के लिए जो अफवाहें फैलाते हैं या कहीं ना कहीं एक लोगों तक संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनके लिए मैंने लिखा था कि धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा निशान लिखा जाए, धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा निशान लिखा जाए, गुरु ग्रंथ बाइबिल ना कुरान लिखा जाए, और राष्ट्रभक्ति की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी, राष्ट्रभक्ति की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी, कलम उठाएं और सबसे पहले हिंदुस्तान लिखा जाए, कलम उठाएं और सबसे पहले हिंदुस्तान लिखा जाए। जी बहुत प्रेम मिल रहा है अरविंद भैया, और कवि नागेश जी, कारीवाल जी बिल्कुल लाइन पर हैं, आप सभी लोगों का स्नेह बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपनी माँ के लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, जैसा कि सभी के घरों में कहीं ना कहीं दृश्य होते हैं, मैंने भी अपने घर में एक दृश्य देखा, उस पर लिखा कि मेरे नन्हे ख्वाबों को ऊंचाई दे रही थी माँ,
मेरे नन्हे ख्वाबों को ऊंचाई दे रही थी माँ, ना झूठा दिलासा था सच्चाई कह रही थी माँ। और मैं आधी रात को जागा जरा सी आहट के कारण, मैं आधी रात को जागा जरा सी आहट के कारण, देखा पास के कमरे में सिलाई कर रही थी माँ, देखा पास के कमरे में सिलाई कर रही थी माँ। जी बहुत बहुत आभार आप लोगों का, बहुत काफ़ी लोग आज इस पेज पर लाए मुझे सुन रहे थे, तो मैं पुनः आदरणीय डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और उन समस्त लोगों का जो मुझे लाइव सुन रहे थे, कहीं ना कहीं कमेंट्स या लाइक उनके मुझे मिले, और ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने देख लिया है तो ये ऐसा नहीं, मैं ज़रूर शेयर करूँगा इसे। और आप लोग जो वंचित रह गए हैं तो वो समय के बाद देखें, किसी न किसी माध्यम से आप तक पहुँचेगा, सोशल मीडिया से फेसबुक के माध्यम से आप तक ये लाइव पहुँचेगा, तो आप ज़रूर इसे देखें कैसा लगा। तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय ठाका सम्मेलन के पेज को जरूर लाइक करें, पसंद करें और उनके ग्रुप में ज्वाइन हो। और जब भी कोई आयोजन हो, उज्जैन में 11 जनवरी के दिन वहाश्य ठाका दिवस जो मनाते हैं, उस पर आप जरूर आमंत्रित हो, देखें और उनसे जुड़ें। बहुत ही अच्छा काम उन्होंने हम नए युवा कवियों को दिया है, अपना प्लेटफॉर्म दिया, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हम लोगों के लिए। तो आप लोग भी जो चाहते हैं वो ज़रूर आदरणीय भाई साहब से संपर्क करें। और पुनः आप सभी को आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ, और जो लोग कहीं ना कहीं माइग्रेशन में फंसे हुए हैं, जो अपने घर पर पलायन नहीं कर पा रहे हैं या कोई समस्याएं आ रही हैं, तो उन तक भी मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ, सभी पुलिस कर्मियों का भी, कि वे कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी सी प्रताड़ित ना करके उन्हें थोड़ा सा माइग्रेट करने की कोशिश करें उनके घर तक, क्योंकि लॉकडाउन तो खुल ही चुका है। और मैं पुनः उन सभी लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जो पुलिसकर्मी शायद लाइव देख रहे हैं इस प्रोग्राम को या देखेंगे, पुलिसकर्मियों को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, नर्सों को, डॉक्टरों को, कहीं ना कहीं इन लोगों ने हमारे देश में जो कोरोना काल था उससे जूझने की जो शक्ति दिखाई है वो काबिले तारीफ है। और पूरा विश्व इसको बखूबी मान चुका है, जैसा कि एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि 17वीं-18वीं शताब्दी अंग्रेजों की या ब्रिटेन लोगों की हो सकती है, 19वीं शताब्दी अमेरिका की हो सकती है। तो यकीनन इस कोरोना काल के बाद हर एक व्यक्ति इस बात पर भरोसा जरूर करेगा कि आने वाली 21वीं शताब्दी कहीं ना कहीं भारत की होने वाली है। और जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और पूरी कैबिनेट, और ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी, सभी लोग कहीं ना कहीं अपना जितनी भी उनमें हिम्मतें हैं, जितनी भी उनमें काबिलियत है वो दिखा रहे हैं, और नया परिवर्तन आज समाज में हो रहा है। तो मैं पुनः डॉक्टर साहब को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने हम लोग को इस आयोजन में मुझे मौका दिया, और नए लोगों को जो मौका दे रहे हैं उन सभी की ओर से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इस लाइव को देखने के बाद आप लोग इस लाइव को ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स करें, जितने लोग हो, जितने भी आपसे जुड़े हो, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, किसी भी माध्यम से, तो उन तक पहुंचाएं और इस पेज को आगे बढ़ाएं। और मैं डॉक्टर साहब से निवेदन चाहता हूं कि अब आज के इस लाइव सेशन को यहीं पर समाप्त किया जाए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।